अरे क्या हुआ मौसदी? जहाँ मारिया हुई धरता भले आदमी ते। अरे क्या धतिया, क्या बात हुई? अरे क्या हुआ मौसी? मैं नहीं बचूंगी जीवाने। अरे मौसी क्या हुआ, कोई हार में कमी रह गई? अरे सवेरे गुया मेला में ढाई शेर दूध पी के मरंगो। क्या अबे साले सेहत बनाने के चक्कर में रग रहा है भैया? पहले हमने नौ कही तू ऐसा हार बनाइए। क्या हार गलत बन गया? अरे गलत तो ना बनो, बनो तो सुंदर। दोबारा बनाऊ? अरे दोबारा के बच्चा, वो हार ने बात बिगाड़ दी। क्या हुआ? जो जब तेने हार देखो ना वो लौंडिया ने, हाँ? वो हार देख के बोली ये कौन ने बनायो इतना हार सुंदर? अच्छा तेने वहां हीरा लालो जवाहरलाल। हीरा लाल जवाहरलाल नहीं, हीरे मोती। हाँ अब वहां ने ये बताइए बेंचो, माली जो पैसा के हीरा मोती पड़े हुए तो राजा महाराजाओं की चीज है या किसी सेठ साहूकारों पे मिलते हैं? दो पैसा की मालिन पे कहां से आए जे हीरा? फिर क्या हुआ? अब यार जब नीचे गिराए के मारी या के मोह में तेल कर गई है, मेरी बहनों तो बहू ने हार बनायो है तो सुनो बजा बहनों ताके बहनों तो बहू निकल गई वहां, यहाँ तो बजा जाई बहनों तो बहू तू पूरा लुकड़ बक्का है। एक बात सुनो, ये अपनी जान बचा कर आ गई तो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ इसकी जान बच गई। बात जान बच गई, भांग बे आई मेरी सास। क्या भांग बे आई? भांग जो बे आई वहां बहनों तो बहू बुलाई है। अच्छा इतना सुंदर हार बनायो है तो वो बनाने वाली कितनी सुंदर होगी भैया? एक काम करो मौसा दी, आप साड़ी पहनो और आप चले जाओ। ओ भैया मेरो नरम सामान है। ए साले कैसा उल्टी सीधी बात करता है। मैं देखूंगा लौंडिया। अच्छा देखे हो बेटा, देख देर को तू बहू बन जा। चले साले इतना मारूंगा, मेरी बहू बना रहा है। और सुनो मैं जा रहा हूँ राम राम। बेटा बेटा तेरे निरोध कर, अनुरोध बोलते हैं उसे। बेटा अनुरोध कर, नाचा सीधी कर, अनुरोध बोलते हैं। बेटा बेटा तेरी ठोड़ी में हाथ घेर रहे हो। बस साले थोड़ी यहाँ है, थोड़ी यहाँ है। ओ बेटा, हाँ? बेटा बेटा तू बहू बन के मेरो काम निकाल दे। अरे साले ऐसा हाथ मारूंगा, एक हाथ में तेरा हेलीकॉप्टर बना दूंगा। हाँ यार मैं गलत कह रहा हूँ। और सुनो तू बहू बन के पहुंच जाएगा तो मेरी जान ना बचे, तुम तो भले आदमी गांड फैला रहे हो, दांत फैला रहे हो, मेरी जान तो बीत रही है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बेटा बेटा तेरे निपोरे कर रहा हूँ। ए निहोरे निहोरे ओरी ओयूंगा। हाँ बहन चो तो लगो भाऊ, ये लगा भगवत मेरी माँ बहन के मुँह का। और तेरी बात मान जाएगा तू, याकू हाथ जोड़ के खुशामंद करके, हाँ या के कोरिया भर के तोता बहन चो तेरी बात मान जाएगा। चलो ठीक है मैं करूंगा लल्ला रे। हाँ भैया मेरी खातिर। अरे मौसी तेरा दिमाग खराब है, तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? अरे मुल्ला जी देख रहे नोरी का कह दो नोरी की। भैया तू मेरे माए देखिए जीवारे। भैया अरे तू मेरो देख लई साले बदतमीजो, तेरा क्या देख लूं साले इतना बदतमीज। पहले ये कहो कि हाल देख लो मौसी। और बात समझ रहे हो, मुझे तेरा तरस मार जाता है ये तो मेरे। लेकिन ये मालिक तो मेरे सामने मत भरवा दारी को, ये तो साला मालिक काटने लायक है। अगर तुम कहती हो तो सुनो भैया, नो कह दे ये तू बहू ना बनो बलोंडिया ने। तेरे मालिक को 6 महीना की फांसी और साल भर की सजा होगी। इससे मिल लो वह साले, फांसी तो 1 सेकंड की बहुत है। हाँ एक झटका नहीं झेलेगा, एक झटके में ऊपर पहुंच जाएगा। अरे तो बनवा दे बहू में। एक बात सुन मौसी, मैं जनाना तो बन जाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त होगी। जिस रोज मैं तुम्हारे बगीचे में आया था तो तेरे माली ने कहा था कि जब तक मुझसे मौसा नहीं कहेगा बगीचे में रुकने नहीं दूंगा। ऐसे ही कही भैया, ऐसे ही कही। तो सुन, जब तक आज ये मुझसे मौसा नहीं कहेगा
तब तक मैं जनाना नहीं बनूंगा, कह दे उससे। और सुन, मौसा कतई नगद कतई सगा बना ले। तेरे माली मोते मोचा के और नौकरा बिल्कुल नगद सगो बना ले आज तो ही मैं बन जाऊंगा। ये तो गुआ हाँ बता दे। हाँ देख एक बात तो सुन, हाँ ना सारा सगा बन जाएगा। सगा तो ए, ए, राम राम कर ले, बीज खेत में है पल्ले। गलत कह रहे हो, चाह कितनों घनों में लेटा ठाड़ हो, राम राम कर ले, बीज खेत में निकल जा। हेलो, और ये आगे कासगंज वाले बैद जी, हर शुक्रवार को हर सोमवार को मरीजों की दवा होती है। और ये क्या कहा, शिव मंदिर पर, शिव मंदिर पर बैठते हैं ये, 101 रुपए दे रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि गुप्ता जी जो प्रचार वो एलोन्सरी करने वाले हैं वो यहाँ पर आ जाएं, धन्यवाद। और देखिए हमारे जगदीश राणा वो टूटी फटी हड्डी का इलाज करते हैं, निवासी देहगवा वाले, ठीक इंटर कॉलेज के सामने उनकी दुकान है, पशुओं का भी यानी पशुओं की भी दवा दी जाती है उनके यहाँ। जगदीश राणा भाई कार्ड तो अंदर रह गया, उनका 93 से नंबर है। हाँ लाओ फिर बता। एक ये उनका मोबाइल नंबर है 93-68-90-28-04, याद रखना 93-68-90-28-04, ठीक इंटर कॉलेज के सामने उनकी ही दुकान है। हाँ कह दो, बताऊं यार एरी कह दो, कह दो ना सगो बन जाए। हाँ अरे लल्ला, अरे मौसारे भैया, अरे यार बहु बन जा। एक बात सुनो, सिरसा जो है देखा तुमने, सिरसा में आप मिर्जापुर में पछाम जो मिर्जापुर है रहरा के पास, उसमें आपकी मौसी है और वो जो है डोकर उनसे ऐसे ही बोलते हो के लल्ला ए मौसारे, ऐसे बोलते हैं जैसे उनसे बोलते हो, समझ लो आज तुम्हारा सगा मौसा खड़ा हूं मैं, ऐसे ही बोलो उनसे। क्या बताऊं यार, कतई नगद बना ला सगा, कर्री अटक गई यार। तुम हमारे कबू अनूप शहर को गए हो, ले चली बात पे याद आई गई, हमारे अनूप शहर को गए कभी हमारे, अब तो यानी हमारे यहाँ पुल बंद को अनूप शहर को, कभी हमारे यहाँ चौमासे में नाव चले करे, एक चौमासे में नाव चले तुम्हारे मायके जाए करे, तो कहा के करे बीज धार में हमारी गंगा जी में नाव पहुंच जाए करे, हे मेरी गंगा मैया पाल लगा दे, डर के मारे के करे हे मेरी गंगा मैया पाल लगा दे। गंगा मैया की कोई ताकत ना ही हो, बल्ली पाल लगा देती। अच्छा। बाकी गांड में बल्ली पड़ती नाव चलती अगेला। कह दे, देखो मैं गलत बात तो कहूँ ना हूं तो भैया कहनी पड़ेगी, हमारा मतलब निकल जा मोसा जी ने, एक देर को बहु बन जानी मर जाऊंगे तो ठीक है बन जाऊंगा, लेकिन मुझसे और तो वाले काम चलना फिरना बोलना उठना मुझ पर नहीं आता। यह बात है मत घबरावे, जितनी औरतें जाने काम, हाँ इतने औरतें हैं काम करें सब तो को बताई दंगो मेरे लिए। हाँ चलनो फिरनो बैठनो उठनो पेशा मूतनो सब बताई दंगो। पेशा मूतने क्या बात है, पेशाब की सही बात है, क्या बात है, वहाँ तू जनानो बन के पहुँच गो। हाँ और तो गु लगे आवे मुतास पेशाब, हाँ पेशाब, पेशाब लगे आवे तो गु। हाँ और तू बैठगो नीचे में और अकेला है ऊंचो तो पेशाब लौट मार देगो। अच्छा बहुत तुक्के मिलाता है मौसी, लाओ साड़ी। देखिए मेरे साथियों, जानी चोर उसी लड़के की लड़की की खातिर क्या क्या रूप बना के जा रहा, क्योंकि ठाकुर बच्चा था, मुसलमानों की जेल में एक हिंदू की लड़की फंसी हुई थी, उसे निकालने के कारण क्या क्या भेष बना के जा रहा है। दे, तेरे कारण मैं जनाना बनने के लिए तैयार हूँ। और मौसी
जैसा तेरा रूप है वैसा ही रूप मेरा बना दो। अच्छा ठीक है साड़ी तो सुनो। हाँ? और अपना सा तू रूप और बना दिए री अपना सा बैठ के मेरा सिंगार कर दे। अच्छा ठीक है ना सुनने ना करो मौसी मौसा पे मूड़ा मंगवा लो बाप बैठा कर मेरा सिंगार कर दे। तेरी मेला में मिल जाएगा मूड़ा बताऊं देख मां मिल जाएगा तारा चंद ने तारा चंद के घर है। हाँ वो हमारे समधी लगे उन पे मूड़ा उन घर है जी मूड़ा समधी पे मिला का समझने पे दोनों पे होंगे वो तो समझने के ढोरे जाऊंगा तो उनके ढोरे मिलेगा जाओ मूड़ा ले आओ। हां चलो जाओ मैं हम भी आओ तारा चंद के घर है हम भी लाओ लाऊं मैं तैयार बैठा हूँ लाई और ये क्या है भाई मूड़ा है लल्ला जो मूड़ा हाँ बैठ गया दोनों पाँव अकेला करके मेरी बात तो सुनो। हाँ उनके घर ऐसे ही मूड़ा है वो तो रोज बैठते हैं। एक बात सुनो तुम्हारे यहाँ ऐसे ही मूड़ा है लल्ला हमारे देगमा मेला में ऐसा ही मिले। अच्छा मूड़ा हाँ तो सुनो मोसादी हाँ मैंने जनाना बनने से पहले एक बात कहा था आपसे कहा बेटा कि मुझसे जनाने वाले काम कुछ नहीं आते हैं चलना उठना बैठना। आप सबसे पहले मुझे बैठ के दिखलाइए इस पे कौन उसके हाँ उसके बाद बनूंगा जनाना। अरे मैं नहीं बैठूंगा बैठ जा तू ना बैठ जा नहीं जाते मैं बैठ जा दे दिया तमाम तो फांसा लिख रही भैया दे दिया ये बीच में ही लग यार क्या बताऊं मेरी आखिरी वो ही खा जाते हैं बैठ जाऊं तो भेंचो निरी फांसे और फांसे वो देखी जाऊं तो भेंचो मैं बैठूंगा तो अलीगढ़ जाऊं पर जाए ते लल्ला नियो नियो अब मूड़ा तो नीचे पड़ा है ऊपर आवेगा नीचे ही रहेगा मूड़ा। अच्छा हाँ और चलने की अदा और बता दिए रड़ुआ और बोलन की अदा और सिखा दिए अपना सा तो जा वो ट्रेनिंग तो ले लेंदे हैं। अच्छा, बगैर ट्रेनिंग के काहे जाएगो हमारा लौंडा फौज में गयो है अब ए साल भर की ट्रेनिंग पे गयो है ए अरे यार वहाँ का को जा रहो है। हाँ अब लल्ला एक काम कर क्या अब तू नेक देर को मेरे संग इतना लेटा माए को चले बस साले में साले को नहीं बहुत मारूंगा इसे का कह दी भैया तेरी बहन का पाखंडी मार तेरी का कह दी तुमने यार ये कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए लेटा मैं चल लेटा तो ना अभी कह रहे हो साड़ी उतार दूंगा अभी सास को उधर को और माले यहाँ वो पे कोई बात बिगड़ जाए करे तू संभाल ले करे संभाल तो रही कहाँ तक संभाल तुम्हारी बात संभाल सगरी बदतमीज है और संभाल 10-20 साल ठीक है। हाँ मौसी अरे ऐसे क्यों क्या बात है कुछ कमी है पहले जनानी ने की तरह बोल क्यों बोल के जा रहा हूँ आ रहा हूँ क्या बात है बरमावे को तू ऐसे ऐसे बोले के ना जनानी क्यों नोके चल रही हूँ आ रही हूँ देगवा की नमाज को जा रही हूँ गरम गरम जलेबी खा रही हूँ भाई इतने लोग से मुझसे नहीं कहा जाएगा ऐसा कह रहा तो पहचान लेगी वो अच्छा कैसे कहना
हाँ कि जा रही हूँ, आ रही हूँ ऐसा। हाँ अब तू चल चल चल। चले जाना। क्या बात है? ये बात बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? तो यार समझ के तो चले। कैसे चलना पड़ेगा? तो ऐसे चलो जैसे महेश गुप्ता जी चले। कौन से यार? ने सुधर जा यार, ने सुधर। अरे तुम्हें एक बात सुनो, तुम्हें मालूम है मैंने बोल दिया था कि मुझसे कुछ नहीं आता जनाना काम। मेरी सिखाओ। तू बताए, तू बता। ना तुम्हें बता दे, मैं बताई दू। चल कैसे बूढ़ो आदमी सामने। साढ़े तीन किलोमीटर और डेढ़ किलोमीटर। अब कौन बन गई तारा चंद की बहन? हाँ भाई ऐसा झटका नहीं लगा मुझसे। सही कर का घेरी समर का सिकल जो घेरी अरे तेरी बहन का पाखंडी मारू इधर को है मौसी बदतमीजी कर रहा है सारा। बहुत बड़ी बदतमीजी कर रहा है। अरे एक दिन की बदतमीजी मर गया। अरे मैं तो एक मिनट की भी मर जाता हूँ। मैं तो 10-11 साल हो गए बदतमीजी झेल दिए। अरे इसी बदतमीजी को अगर मैं बदतमीजी करूँ तो मेरे ससुर के सारे की जमाई की आंखें फटे फूटे जाए। तुम्हारी फूट गई। मेरी फूट गई। चलो सही है, उड़ता हूँ। जा जा चल ले जा। चलो अरे यार देख तेरी मोछे चमक रही है भाई। और कभी नहीं मानेगा कोई मोछे होते हैं। मुंह ढक के जाइए। मुंह ढक के? हाँ ठीक है। हाँ और एक काम कर लेना, वहां रुकिए मती। क्यों? अरे रुको तो बात खराब हो जाए। मालिक अरे अगर लेके दिखा के साफ आइए। लगी तो बेटे वहाँ खुदा खास्ता वो लोंडिया रोखन लगी। हाँ रात को ओए सुन ले। हाँ रात को रोखन लगी तो चित मत सोइए, पट सोइए। चित पट का क्या मतलब है? अगर तू सोएगा चित तो पतो पड़ जाएगी, पट सोएगा तो पतो ना। अच्छा ठीक है मौसी चलिए। भाई अखड़ा जाके क्वारी कन्या हर नाम तद इसका भानवती हर तेता क्वारी तो अपर क्वारी कलयुग में वग सोलपति। युग में वग सोले पति और जो जो पति मरा मारग में उसी के संग में हुई सती। भाई जो जो पति मरा मारग में उसी के संग में हुई सती और मेरी बात का अर्थ लगाइयो झूठी नहीं। साथियों समय का अभाव है, हमारे मेला मालिक अध्यक्ष का ये कहना है कि 4 बजे से यानी अब 4 बजे प्रोग्राम बंद कर दें। अब क्या करें, समय का अभाव है। हमारा मेला अध्यक्ष महोदय जी का ये आ गया कहना का 4 बजे बंद कर दो कल के लिए करें। यहाँ से आगे के लिए भाई हम क्या करें, यहाँ से आगे के लिए कल प्रोग्राम देखना। और हमारा पुलिस प्रशासन जो भी है वो भी परेशान है। हेलो पब्लिक से। और देखिए कल का जो यहाँ से प्रोग्राम छोड़ा है वो कल 11 बजे से चालू हो जाएगा। 11 बजे ठीक 11 बजे हम प्रोग्राम चालू कर देंगे। समस्त क्षेत्र वासियों और आने बाने जनता से कहना है 11 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाएगा। अभाव है। हाँ
यहाँ से आगे के लिए कल देखना भाई। देखिए हमारी मजबूरी है क्योंकि मेला अध्यक्ष महोदय जी का कहना है कि 4 बजे के बाद प्रोग्राम नहीं होगा, कल 11 बजे से जल्दी आ जाए, यहीं से प्रोग्राम चालू होगा।